खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के बांहरी रोड थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले दिनों नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें दुष्कर्म की पीड़िता के परिवार से मिलने गए सपा का 11 सदस्य टीम ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो वहीं घोसी लोकसभा से सपा से सांसद राजीव राय ने कहा कि अभी प्रशासन का देखने को मिला जो चौकी इंचार्ज था, पहले दबाव बनाता रहा कि केस दर्ज करो, और हमने एक ऑडियो भी सुना कि पीड़िता के पिताजी से जिस लहजे में बात कर रहा था, धमकाते हुए बात कर रहा है कि केस को जीरो करने की बात कर रहा है। मैं हैरान हूं कि अभी उच्च अधिकारियों ने जो चौकी इंचार्ज है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, किसका संरक्षण प्राप्त है। ये अगर सपा का सरकार हुआ होता, सपा सरकार में हुआ होता, तो मीडिया के साथ ही अखिलेश का फोटो लगाकर जंगल राज दिखा रहे होते। यहाँ जंगल राज है, यह है कि नाबालिग औरत पिछड़े बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और FIR दर्ज करने की कोशिश तक नहीं की जाती है, और दबाव पर FIR दर्ज कर किया जाता है। जो दरोगा गिरी है, जिस तरह से धमका रहा है, उसे एक पल भी वहाँ रहने की जरूरत नहीं है, और सबसे पहले FIR उसके ऊपर होना चाहिए। जिस तरह से पीड़ित परिवार को धमका रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन का देखने को मिला कि जो चौकी इंचार्ज था, पहले तो दबाव बनाता रहा कि केस दर्ज करो, उसके बाद हमने एक ऑडियो भी सुना वो पीड़िता के पिताजी से जिस लहजे में बात कर रहा है, धमकाने का, केस जीरो करने की बात कर रहा है। मुझे हैरान है कि अभी तक उच्च अधिकारियों ने इस जो चौकी इंचार्ज है इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, किसका संरक्षण प्राप्त है। ये अगर सपा सरकार में हुआ होता तो मीडिया का साथी अखिलेश जी का फोटो लगा के जंगल राज दिखा रहे होते, और यहाँ जंगल राज ये है कि एक नाबालिग अति पिछड़ी जात की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और FIR तक दर्ज नहीं करने की कोशिश की जाती है, दबाव पर FIR दर्ज करता है, तो दरोगा जो गिरी है जिस तरह से धमका रहा है, उसको एक पल भी वहां रहने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले FIR उसके ऊपर होना चाहिए। क्या नाम है उस दरोगा का? कोई गिरी बता रहे थे, मैं जानता तो नहीं व्यक्तिगत रूप से, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सुना, जिस तरह से धमका रहा है, जिस तरह से तू तमाल करके बात कर रहा है वो, और पुलिस प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं की, दुर्भाग्यपूर्ण है।